नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। दलदल में डूबने से एक गोवंश की मौत, एक को बचाया। शनिवार को सुबह शहर के कालानाडा, जहां पूर्व में गंदा पानी जमा होता था, वहां मानसून में हरी घास उग गई। वहां विचरण कर रही दो गोवंश घास के कारण उस दलदल में फंस गई। वहां के स्थानीय लोगों ने दोनों गोवंश को कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। फिर इसकी सूचना युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति मकराना एवं नगर परिषद मकराना को दी। सूचना मिलने पर समिति के सदस्य एवं नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर गोवंशों की सुध ली। एक गोवंश की दलदल में डूबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई और एक गोवंश को रस्सी की सहायता से बांधकर सेवा समिति एम्बुलेंस क्रेन की सहायता से गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। समिति के संस्थापक पूरनमल सुरेश कुमावत ने बताया कि समिति द्वारा प्रतिदिन 3 से 5 दुर्घटनाग्रस्त गोवंशों को पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र में लाकर उपचार किया जाता है। कई बार सड़कों पर गोवंशों का विचरण करने के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती है, जिससे कई बार आम जन की जान जाने का खतरा बना रहता है। समिति द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से मकराना शहर में नगर परिषद द्वारा कांजी हाउस एवं पशुपालकों द्वारा शहर में छोड़ी गई गोवंश के संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस मौके पर व्यवस्थापक शक्ति सिंह मकराना, लोकेंद्र सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह शेखावत, संदीप विश्नोई, गौरव नाथ, पशुधन सहायक मुकेश जांगीर, दीनदयाल अलड़िया एवं नगर परिषद मकराना के कर्मचारी मौजूद रहे। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट।